कर में धनुषा बाण, जंग में डटा वीर बलवान, उधर अर्जुन की रथ को हाकर हे भगवान। एक रोज लड़ाई में कर्ण और अर्जुन आमने सामने होते हैं। कर्ण ललकारा, अरे तमक परा मद होश कर्ण, हो लाल बन ललकारा है, तेरे संग में आज मेरा जीवन का वाला न्यारा है। मैं भीष्म नहीं, मैं द्रोण नहीं, जो तेरी जान बचा दूंगा, घन श्याम संग तुमको अर्जुन अंगुली पर आज नचा दूंगा। कर्ण कहा कि अर्जुन आज लड़ाई में तुम्हें जंग का मजा दिखला दूंगा, युद्ध का मजा दिखला दूंगा। तब तक अर्जुन भगवान से कहते हैं, हरे अर्जुन कहला बिचारी कन्हैया, खेवा नवरिया हमारी कन्हैया, खेवा नवरिया हमारी कन्हैया, खेवा नवरिया हमारी कन्हैया। तो क्रोध कर अर्जुन जी ने बाण जब चलाया है, 100 कदम कर्ण की रथ को पीछे हटाया है। क्रोध कर कर्ण भी ललकार बाण मारा है, 3 पग अर्जुन की रथ को पीछे पवारा है। धन्य कर्ण वीर बोले मुरारी, अर्जुन के दिल में हुआ कष्ट भारी, अर्जुन के दिल में हुआ कष्ट भारी, अर्जुन के दिल में हुआ कष्ट भारी। अर्जुन बाण मारे, कर्ण का रथ 100 कदम पीछे, और जब कर्ण बाण मारा, अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे। ए भैया, भगवान कहते हैं शाबाश कर्ण, धन है तेरी बहादुरी को। अर्जुन कहला कि कहो महाराज, बैठल हुआ यहाँ ललकारत हुआ के, और कौने बहादुरी पर हम 100 कदम हटौली, एको बेर नहीं बोला। और के भगवान जब ललकरण है कर्ण के, कर्ण अर्जुन कहना की बारे महाराज, बैठल हुआ यहाँ ललकार हुआ कर्ण के कौने बहादुरी पर, अरे हम 100 कदम हटोले देखो बेर ना बोला, और 3 कदम हटोले तो साबस कर्ण धन्य तेरी बहादुरी को। ई का मतलब हो श्याम बोले अर्जुन कर्ण तुमसे बलवान सहित। भगवान कहना की अर्जुन कर्ण तुमसे बली है। कहा कैसे महाराज, हम 100 कदम हटोली 3 कदम बलि कैसे मान लियो के। कर्ण की सुन लाओ कर परता तनी। श्याम बोले अर्जुन कर्ण तुमसे बलवान सही, तेरी रथ की ध्वजा पर बैठे हैं हनुमान सही। मैं 3 लोक का भार जमाया, तिस पर कर्ण 3 पग रथ हटाया। अरे अर्जुन, कर्ण के रथ पर का हो, छुच्छे रथ 100 कदम हटौला, तोरे झंडा पर स्वयं बजरंग बली विराजमान हो, हम 3 लोग का भार लेके बैठे रही, हिले के न चाहिए, और 3 कदम हटौला तो मामूली वीर नहीं बाबू। अरे हंसने लगे हैं बनवारी कन्हैया, खेवा नवरिया हमारी कन्हैया, खेवा नवरिया हमारी कन्हैया, खेवा नवरिया हमारी कन्हैया। क्षत्रियो प्यारा मुकुट कर गए पता का बाण से। लड़ाई चालू हो गई है, लेकिन अब तैसा बढ़ जाए मास्टर। हरे मुरारी अर्जुन जी के सारथी, गरजे ध्वजा के ऊपर बजरंगी बलकारी, अरे बलकारी अरे बलकारी, निकाल सर्प बाण कोप कर्ण पार्थ पे चला, श्यामलो संभाल है किया तिखार गर्जना, निगाह फिर श्याम सारथी दिए दबाए रथ, बाण पास हो गया किए चिघार गर्जना, निचोड़ बाण मार पार्थ कर्ण रथ को धसा, कर्ण चक्र को निकालता निछार गर्जना, निजोड़ था झुका हुआ जमीन पर निहार, श्याम पार्थ से कहे चलाव बाण झार गर्जना। ए भैया,
मारे बाण के अर्जुन कर्ण के रथ की जमीन में धसा देना, कुछ बाण के प्रहार से और कुछ श्राप के प्रहार से, श्राप के प्रभाव से कर्ण का रथ धस जाते जमीन में। कर्ण झुक करके पहिया निकालत बार, वही से भगवान इशारा किलन के अर्जुन मारो बाण, नहीं कर्ण तुमसे नहीं मरेगा। हर मारे कन्हैया, हाय मारे कन्हैया, हो मारे कन्हैया, चलावा बनावा सनावा मारे कन्हैया, चलावा बनावा सनावा मारे कन्हैया, चलावा बनावा सनावा मारे कन्हैया। अरे निकाल रथ की पहिया, कर्ण भी बस घबराया, चलाते बाण अर्जुन लोहू पर लोहू आया, श्याम से कर्ण बोला मरना भी गंवारा है, अरे धर्म की युद्ध करो यार अर्जुन मन हमारा है। अर्जुन जब बाण चलाओ लगन है, कर्ण कहा कि अरे भगवान आप रथ पर बैठ करके अधर्म करा रहे हैं, मैं संकट में पड़ा हूं और आप अधर्म करा रहे हैं, मरने का दम नहीं है लेकिन धर्म का युद्ध कीजिए। भगवान कहे आज धर्म याद आल, श्याम कर्ण से श्याम बोले तब तुम्हारा धर्म कहा, द्रौपदी नंगी हुई अभिमन्यु मरा था जहां, कर्ण बोला कि अपना बाण चला वो अर्जुन, दूध में कुंती के ना दाग लगा वो अर्जुन, दूध में कुंती के ना दाग लगा वो अर्जुन, दूध में कुंती के ना दाग लगा वो अर्जुन। अपन कमैया हो मारे कन्हैया, जलावा बनावा सनावा मारे कन्हैया, जलावा बनावा सनावा मारे कन्हैया। तो कुरिल बाण भी धरे अर्जुन अगर तुम्हारे बैठा के, करे बेग से रवि नंदन गिर गईला सुख बढ़ा के, मुरारी अर्जुन जी के सारथी, अरे धूमिल हुए रवि ललन के मुख निहारी। और सभी पंच अर्जुन जी मारे बाण के कर्ण को मैदान में गिरा देते हैं और बड़े हर्ष के साथ कहते हैं कि प्रभु देखला जोने कर्ण का इतना बहादुरी केला उसके मैदान में गिराए दे रही, मार के धराशाई कर दे ली। तब धन्य मारा कर्ण को मैं अगर बदली अर्जुन के, क्यों करत बकवाद अर्जुन शोक में जद बदी हुए, कर्ण का पुरुषार्थ देखो संग चल कर बावरे, अरे शिष्य अर्जुन जी बने हैं विप्र वृद्धा सांवरे। भगवान कर्ण के अर्जुन कर्ण गिरा है मैदान में लेकिन फिर भी तुमसे बलि है, कर्ण ये कैसे मानव कहे कि चल के देख ला नजदीक से, जरा परीक्षा कर ला ओकर ताकत का आजमाइश कर ला, कर्ण की कैसे चला रूप बदल ला। भगवान कृष्ण रूप बदल करके बुढ़ा ब्राह्मण का रूप बना लेते हैं, अर्जुन जी चेला गुरु बनाए कर्ण की परीक्षा के लिए चलते हैं जंग के मैदान में, लेकिन कैसे हो। हाय अरे दुनिया को जो देते हैं खजानावा मुरली वाले हो, अवन के ब्राह्मण मांग चल दनवा मुरली वाले हो, अरे कुरुक्षेत्र में घायल लेटा कर्ण बल करिया हो, शाम वक्त में पहुँचे मोहन बन ब्राह्मण भी खरिया हो, अरे जरा जरा बुढ़ा तर तर का पता नवा मुरली वाले हो, अभिक्षा मांग कर्ण के समनवा मुरली वाले हो। भगवान ब्राह्मण के रूप में जाके कर्ण के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि कर्ण तेरे जैसा दानी कर्ण कोई ना दिखाई हो, मेरी कन्या हो गई करने लायक सगाई हो, अरे कह कर्ण से दे दा थोड़ा धनवा मुरली वाले हो, दे दे दुनिया में कन्या धनवा मुरली वाले हो, दे दे दुनिया में कन्या धनवा मुरली वाले हो, दे दे दुनिया में कन्या धनवा मुरली वाले हो। बड़ी दूर से तेरा नाम सुन के आ रहा हूँ, कुछ मदद कर दे, मेरी बेटी शादी के योग्य हो गई है, मैं गरीब ब्राह्मण हूं मदद कर दे मेरी। कर्ण कहा कि महाराज मेरे घर चले जाइए, जितनी जरूरत हो
दौलत गांठ बांध के ले लीजिए। मेरी स्त्री मेरे वियोग में होगी लेकिन इनकार नहीं करेगी। तो नैन बुंद श्यामले कहे न जाई हो मकान, कर महीन में गरीब है अपार वेदना, ना फली अवानगी रही कुमार क्या सुता, असह्य बाधे कर्ण किन बार वेदना, ना भी कष्ट व्यस्त कर्ण विप्र से कहा बुझा, स्वर्ण युक्त दाता है बना हमार वेदना, नेकलो उपार दात कर्ण विप्र से सुनाए, हाय प्राण कष्ट में किया विकार वेदना। तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, अगर क्षमता हो तुम्हारे पास दानी बनते हो तो दान दो यहीं पर, वरना इनकार कर दो। कर्ण कहा कि इनकार तो नहीं होगा, एक सोने का दांत है मेरे पास, अगर जरूरत हो, जरूरत इतनी से पूरी हो जाए तो तोड़ कर ले लीजिए। भगवान कहते हैं कि मेरे जरूरत से ज्यादा है, वो काम हो जाएगा मेरा, लेकिन तोड़ कर ले लो ये बात पसंद नहीं है। कहते हैं अत्तर जो है बात तर्ज भाई यही मौसम को बोला जला बेलवैया, जो कि बम्बई फगुआ भी कहलन, और यही के जौनपुर जौनबा उधर गवा कि बुढ़ावा बेईमान, बुढ़ावा बेईमान मांग करैली कचोखा, बुढ़ावा बेईमान मांग करैली कचोखा, बुढ़ावा बेईमान मांग करैली कचोखा। अब ये लेकिन बोले घन श्याम, बोले घन श्याम होइ न राउर गुलामी, बोले घन श्याम होइ न राउर गुलामी, बोले घन श्याम होइ न राउर गुलामी। हाँ तुम्हारी नौकरी करने नहीं है, अब दान देना है तो अपने पुरुषार्थ से ऊपर ना इनकार कर दो। कहे महाराज एक काम कीजिए, जरा सो पत्थर हमके थमा दो, हम अपने हाथे तोड़ के दे दे। अरे विप्र से, विप्र से कर्ण बोला दे दो वो पत्थर हमको, तोड़ कर दांत में दे दू सोना सुंदर तुमको। श्याम बोले ये कैसा दान है स्वामी होई, अरे बड़ा कमजोर हूँ हमसे न गुलामी होई। हाँ। इहो न होई पत्थरों न थमाई, पेट के बल कर्ण चलता हो तन में घुसे बाण, पत्थर लिया दांत तोड़ा हरी बोले जबान, कि जूठा नहीं हम लेंगे छोटा है ये काम। पेट के बल चल चल के कर्ण एक पत्थर उठा लिया, उठा करके एक कही वार में मारा दांत टूट गया, और तोड़ के जब देवल लगल कि महाराज लेला, कहलन के रे तू कैसा दानी है जूठा दान करता है, धो करके दे। कह जरा धनुष थमा दीजिए, कहीं ये भी नहीं होगा। कर्ण ने धनुषा मांगा, विप्र ने इनकार किया, किसी तरह से कर्ण धनुषा को संभाल लिया, दांत से खींच बाल फोड़ा है पाताल सही, होया दांत को धरती से जरा निकाल सही, होया दांत को धरती से जरा निकाल सही, होया दांत को धरती से जरा निकाल सही। अरे देने लगा कर्ण दानवा प्रगट भगवान, आंसू गिरे अर्जुन के हरि बोले जवान, हर मांगो कर्ण बर मांगो धन है बल धान। भगवान असल रूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि कर्ण मैं तेरी बहादुरी और भक्ति दोनों से प्रसन्न हूँ, मांग ले जो मांगना है। कहे गहरे सरकार अंतिम समय में जबान पर नहीं होता और हमारे सामने आगेला भिखारी बन करके खुद मांगे आगेला, तो अब का मांगम, और यह टाइम अब चाही का, अगर देना है तो एक चीज देदा का। हर सुगनावा श्याम धोखे में उड़ी, सुगनावा श्याम धोखे में उड़ी, बोला कण अमर भक्ति चाही मंगनावा। अमर भक्ति जुग जुग तक आपकी याद न भूले, बोला कण अमर भक्ति चाही मंगनावा, सुगनावा श्याम धोखे में उड़ी और का चाहिए। अरे जहाँ जलाना कोई वहाँ जलाया तनवा, सुगनावा श्याम धोखे में उड़ी, जहाँ जलाना कोई वहाँ जलाया तनवा, सुगनावा श्याम धोखे में, आ जहाँ जलाना कोई वहाँ जलाया तनवा, सुगनावा श्याम धोखे में उड़ी। गुरु गणेश धर चरण प्रभु का मरा कर्ण बैरागी, राम लाल गुरु बच्चन कहते
सोक सिंधु में पागी अरे मुरारी अर्जुन जी के सारथी रथिया कवि चंद्रिका कहा कह बरवारी।